आज हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके इंटरव्यू पे इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो मेन चीज यही है कि आप अपना कंपटीशन इंक्रीज ना करें, और आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए आज से लेके इंटरव्यू वाले दिन तक, इंटरव्यू देने तक और इंटरव्यू के बाद भी। जैसे किसी का 24 को हो जाए तो 30 तक इंटरव्यू है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कुछ पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं क्या कोई भी? सर जो क्वेश्चन पूछे गए वो शेयर ना किया जाए। शेयर करके तो आप देखो फेलो टीचर या है ना सीनियर या टीचर से आइडिया ले सकते हैं कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है ना। मेरे कुछ हो गया ना, कुछ नए प्रकार के भी है, जैसे कि एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू वेन्यू पे है ना, आपकी प्रिपरेशन आप शेयर ना करें, ठीक है? आपकी जो प्रिपरेशन है वो सामने वाला बंदा भी प्रिपेयर करके आया होगा, ठीक है? तो हो सकता है आपकी सारी जानकारियां ले और वो कुछ ना बोले, तो इस चीज को भी अवेयर रहना है। वहाँ पे बहुत बातचीत होती रहती है कि क्या क्वेश्चन पूछे, क्या चल रहा है के साथ, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं चीजें, जितना डिस्कस करते हैं उतना हमारे माइंड डिस्टर्ब। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि हमको हमारी प्रिपरेशन पे भरोसा है और हम अपना 100% देंगे। दूसरा ये होता है कि हम लोग काफी चीजें एक्स्ट्रा लेके जाते हैं ताकि इंटरव्यू के दिन प्रॉब्लम ना हो, जैसे पेन पेपर या फिर जो भी अपना लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं। फिर वहां ऐसा लगता है यार दो हैं एक दे देते हैं, बाद में फिर पता लगा हमारा ही कोई धीरे से निकल गया गिर गया, तो ये चीजें फिर बाद में प्रॉब्लम करती है। तो कोई भी चीज जो आप प्रिपरेशन के हिसाब से लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल शेयर मत करो इंटरव्यू वेन्यू पे, ठीक है? वहाँ पे ना थोड़ा क्या होता है कि कई बार अपने सीनियर्स मिल जाते हैं या जूनियर्स मिल जाते हैं, अरे तू तो वहां था ऐसा वैसा करके, और माहौल थोड़ा वो लाइट बनाने के चक्कर में हंसी मजाक करने लगते हैं। तो अपना इंटरव्यू जब अपन बैठते हैं ना, वही चीजें दिमाग में घूमती जो हम उससे पहले के शेड्यूल में कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे जोक्स मस्ती या याददाश्त यादें शेयर किया, इंटरव्यू में वही चीजें दिमाग में घूम रही है, आंसर ही नहीं आ पा रहा। तो पूरा फोकस करना है उस चीज पे कि आज इंटरव्यू देने आए हैं, तो बाकी चीजों को अवॉइड करें, इंटरव्यू के बाद बात करेंगे जिससे भी करनी है, नहीं मिल पाए तो फोन पे बात कर लें, लेकिन उस दिन उनको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, पूरा फोकस इंटरव्यू पे क्या करना है, सारे आंसर बार बार अपने माइंड में रिफ्रेश करते जाए। एक चीज और देखने में आई है कि ओवर हेल्प कर देते हैं, अरे यार फोटोकॉपी नहीं है दुकान देखी है क्या, हाँ चल 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 देता हूँ मैं तेरे साथ चल देता हूँ, ऐसा करके भी ओवर हेल्प के चक्कर में ना वेन्यू छोड़ के चले जाना, अपना नंबर आ जाए तब वो अपने को कॉल करते रहते हैं या खाना खाने चले गए साथ में, आप अपने लंच बॉक्स लाए वेन्यू के लिए लाए वहीं खा के फिनिश, दूसरे अगर नहीं प्रिपेयर होकर आए तो वो उनकी गलती है, ठीक है? अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे अभी से समझा दो ये चीजें कि हमको वहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह लेके जाना है, जो फोटोकॉपीज वगैरह एक्स्ट्रा लेके जाना है, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन हम उसको हेल्प कर रहे हैं चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो ये चीजें भी ना डिस्टर्ब क्रिएट करती है। तो मुझे ये चीज ये तीन चार पॉइंट्स थे जो मुझे मेरे टाइम पे दिखे, इसी से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे बता दी, और आपके व्यूज बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स एग्री करते हो या नहीं करते हो, आपकी इच्छा आप बता सकते हो ना। नहीं सर, ये बोल रहा हूँ, मैं भी एमबीएस का देने गया था, तो कुछ बच्चे थे जो लंच करने चले गए, तो काफी देर तक लंच ही करने चले, फिर उनको ढूंढा जा रहा है कहाँ गए ये बच्चे, कहाँ गए, तो जो उनके बाद वाले बच्चे हैं उनको भेज दिया पहले। हाँ सर, मैंने टाइम स्लॉट चला जाता है, फिर बाद में वो बोलते हैं कि वो कहाँ थे तुम्हारा नंबर तो अभी है ही, इस टाइप से नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं पहले, है ना? ये चीजें मुझे महसूस हुई थी मेरे टाइम पे, तो कि आप लोग भी इसको अप्लाई करो, आपका अच्छा जाएगा, इसमें फायदा रहेगा ये चीजों से, ठीक है? अगली चीज है कि आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेंथ क्या क्या मेंशन करनी है, ये कुछ कॉमन स्ट्रेंथ है जो सभी लोग यूज करते हैं, एक पीडीएफ एक और चीज शेयर करूंगा आपके साथ इसके बाद, ठीक है? तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये आप इनमें से कुछ चीजें जो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अब कम्युनिकेशन स्किल बोल दिया और वहां पे अटक रहे हैं, ऐसा नहीं, जो चीज है वो अच्छा। इसमें से कोई क्वेश्चन है क्या आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इससे हट के, ये है सर वहाँ पे मतलब 200 बच्चे एक दिन बुलाए गए, तो इंटरव्यू क्या किसी सीरियल से होता है या फिर कैसे भी हो जाएगा? तो सर वो एक लिस्ट लगती है वहाँ पे, देखो सबसे पहले तुम्हारा एक टेंट लगा रहेगा, वहाँ कुर्सियां लगी रहेगी, ठीक है? आप लिस्ट में देख के आओ कि आपका किस क्लास में है और कितने बजे है, वो किसके बाद है, सब कुछ उसमें लिस्ट लगी हुई है, ठीक है? तो आप वहाँ पे देख कर आने के बाद टेंट में आपको बैठना है, वहाँ पे वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह देते रहते हैं, तो आपको लगभग सारे पहले से ही मालूम है, आप लोगों ने इंटरनेट पे ढूंढ लिए, तो वही वाले इंस्ट्रक्शन वो लोग देते रहेंगे, ठीक है? बायोडाटा से संबंधित और ये सब, तो सर इसमें से स्ट्रेंथ में से कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी चीज में बिल्कुल एग्जैजरेट मत करना और सब लोगों को खुश रखना, मैनेज करना चाहिए वो। हाँ ये मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है सर, लीडरशिप भी इसमें है कि कैसे हम जैसे कैसे हम अपना दूसरों से काम करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे क्या होता है कि अपन कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बाहर के एनजीओ को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर किसी टीचर से अपना काम करवाना उस पर ड्यूटी असाइन करते हैं, तो ये सब पॉलिटिकल स्किल्स में आता है कि अपना काम हम निकलवा लेंगे, ये मेरे में काबिलियत है, ठीक है? और एरेक्ट टू एनी टीचिंग स्टाइल का कोई बता सकते हैं कि हमको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं उसके हिसाब से भी पढ़ा सकते हैं,
ठीक है सर, इसे आप कैसे क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, हर चीज को अडैप्ट कर लेंगे, है ना, ये सब चीजें स्ट्रेंथ में आती है ना रिज्यूम में। हाँ जी बोलिए। मतलब आपको स्ट्रांग बच्चे मिले या वीक बच्चे मिले, आप सबको पढ़ा सकते हो, सबको पढ़ा सकते हैं, डिसेबल है, फिजिकली फिटनेस फिट है, दोनों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, कुछ भी अडेप्ट करना, ये स्ट्रेंथ में आएगा और ये बहुत अच्छी चीज है आपके, अगर बायो डाटा वगैरह में रहेगा ना तो ये सब अच्छी चीज है। राहुल सर। हाँ जी। फॉर टीचिंग स्किल बाला, कैन वी यूज बाला सर बिल्डिंग एज लर्निंग एड? सर समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। सर आपने पूछा ना सर अडैप्ट एनी टीचिंग स्किल के कोई एग्जांपल? नहीं भाई, हाँ आप एग्जांपल अपने हिसाब से कोट कर सकते हैं वहाँ पे, जब अगर आपसे पूछा जाए इस पे क्वेश्चन तो वहाँ पे बता पाए। और ये बायोडाटा में भी एक नीचे लिखा हुआ है ना चीज सबसे लास्ट में, अगर आपने देखा होगा कि अपने बारे में जो चीजें हैं उनमें ये सब चीजें इंक्लूड जरूर करना है ना, ये चीजें ही वैसा भी दिखाना कि अपने बारे में बताना है तो मैंने ये खेला है, मेरा ये मेडल है, वो उससे नहीं है उनको मतलब, उनको मतलब है कि आप अपने बारे में बताओ कि कैसा आप उनके लिए हेल्पफुल। ठीक है ओके सर। ये जो दो तीन चीजें ये ऐड कर ली, दो तीन चीजें स्पोर्ट्स के अचीवमेंट के कर ली, दो तीन चीजें वो है जो एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं, जैसे किसी ने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो ऐसे ऐसे करके सबको बैलेंस बना के देना है, सिर्फ स्पोर्ट्स से नहीं लगा देना है या सिर्फ डिप्लोमा कोर्स ही नहीं लगा देना है, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह सब कुछ उसमें दिखाओ कि आप इसमें भी बात करो, इसमें भी बात करो, इसमें भी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी आपके बायोडाटा में जो आपको करना है। ठीक ओके। कम से कम इसमें से दो या तीन तो आप वर्ड डाल ही देना, आपको बहुत काम आएंगे। वीकनेस आपके लिए दिक्कत आ रही थी कि वीकनेस अगर कोई पूछ ले आपकी वीकनेस बताइए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी वीकनेसेस में है जो कि एक प्रकार से स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, ये सेकंड नंबर वाली तो प्रॉब्लम कर जाएगी ना सर। हाँ असेंबली कैसे कराएंगे अगर ये सेकंड नंबर वाली जो डिफिकल्टी विद पब्लिक स्पीकिंग? एक बार देखो ये सब चीजें ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप बताओगे ना तो अलग हो जाता है, और अगर आप स्ट्रेट में सोचोगे ना तो अलग हो जाता है। जैसे आपको अगर कुछ लग रहा है ना कि इसको नहीं लिखना चाहिए तो उसको हटा दीजिए, पर ये वो पब्लिक स्पीकिंग वाला वो क्या हो जाता है कि वहाँ हर कभी भी कुछ भी काम दे देते थे, जैसे मेरे को कि जाओ स्टेज पे आज महात्मा गांधी का प्रोग्राम है आप इस पे बोलो, अरे यार बिना तुम सुबह सुबह आते ही काम को देते रहो, तो मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो अलग है, और अगर डायरेक्ट समझोगे तो अलग है, तो आप लगता है कंटिन्यूटी क्रिएट कर सकते हो, उसको हटा दीजिए, प्रिपेयर करने भी नहीं देते, डायरेक्ट बोलते चलो आओ खड़े हो जाओ शुरू हो जाओ, तो फिर हम लोग वहाँ कहते हैं हमको ही प्रॉब्लम, हमको एक दिन प्रिपरेशन का टाइम दो तभी हम अगले दिन बोलेंगे, तो उनका काम निकालने के लिए वो हमको ऐसे ड्यूटीज देते हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हो इस चीज से, जब आप ज्वाइन कर लोगे तब आप इसको रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये जो बायोडाटा है ये हैंडराइटिंग में लिखना है या टाइप करवा सकते हैं? सर हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा बजाय टाइपिंग के, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे ऑन द, वैसे तो शायद वही ऑन द स्पॉट ही कुछ लोग भरेंगे आपको देखेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा हैंड राइटिंग में लिखें, आराम से घर पे बैठ के ध्यान से लिखें, पर अपने राइटिंग में लिखना है ना, नहीं किसी अच्छे की राइटिंग में लिखवा दिए और वहाँ जाके फिर बच्चे के साथ में लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ लेके जाइए, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ अगले में, है ना, ये वीकनेस से सब ले लिए स्क्रीनशॉट सर, इसको नहीं मेंशन करना है सर, मेंशन करना है सर इसको? नहीं आप आपके हिसाब से जो आपके ऊपर लागू हो रही है उनको लीजिए, आप सारी मत लीजिए। ठीक है सर, बायोडाटा के पांच फॉर्म ले जाने तो पांचों भरने हैं सर? हाँ पांचों भर के ले जाने। ठीक है, ये हॉबीज आप इस, ये कुछ हॉबीज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि अभी गार्डनिंग राइटिंग और ये ड्राइंग वगैरह कोई भी इंक्लूड नहीं कर रहा था, कुकिंग वगैरह, क्योंकि हो सकता है आपको अकेला रहना पड़ जाए तो कुकिंग आपके लिए एडवांटेज रहेगा हॉबीज में बताना, है ना, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर्नाटक में अकेले थे, खुद को ही बना के खाना है तो हमारी हॉबी है, हम कर सकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह ये सब चीजें तो बहुत कॉमन है, फोटोग्राफीज वगैरह आप भी करते हो तो सर? हाँ जी। रीडिंग न्यूज़पेपर भी आ जाएगा सर ऑफिस में? कुछ रीडिंग में कुछ भी आ सकता है, आप लाइब्रेरी का यूज भी बता सकते हो कि सर लाइब्रेरी वहाँ पे मिलती है, स्कूल्स में जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ भी, और आगे मिलती है, तो मैगजीन्स बुक्स कहानी की किताबें कुछ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, इससे क्या हो जाएगा कि लाइब्रेरी टीचर को भी असिस्टेंट मिल जाएगा, कि एक असिस्ट हो जाता है कि हाँ हमारे साथ एक टीचर जो है टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको भी सपोर्ट रहता है, ये सब चीजें एडवांटेज वाली है सर आपके लिए। हाँ जी सर। सर जैसे ये पहला वाला है रीडिंग, तो इसमें सर जब इसको बताएंगे तो ये बोल सकते हैं कि मेरी हॉबी रीडिंग है और मैंने लास्ट बुक ये पढ़ी है, ये थोड़ा ऐड कर दें तो इसे? नहीं वो पूछते हैं क्या पढ़ा आपने, तब आप उनको है ना मतलब थोड़ा सा उनको वो बोला ना, जैसे कल आधा आंसर देना है आधा उनको फिर पूछने देना है, तो क्या थोड़ा आपको डिस्कशन करेंगे ना तो और फैमिलियर होते जाओगे, और जितना डिस्कशन पे जाएगा ना इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा, और जितना प्रश्न उत्तर बनेंगे ना क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड रहेगा इंटरव्यू, तो वो आपको बहुत पैनिक करेगा कि मेरा सही गया कि नहीं गया, आप कोशिश करो कि जनरल बातें हो बस, और आपसे दोस्ती हो जाए तुरंत वहाँ। ठीक है सर, तो इसके लिए सर आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है 50-50, मतलब आधी जानकारी दो आधी उनको खुद ढूंढना, वो ओपन एंडेड, जैसे उससे पहले वाली क्लास में बात हुई थी इसी वर्ड को हमने ओपन एंडेड बोला था, कि एक क्लू देते जाओ कि अब इस पे बात, वो इसी चीज को इन्होंने बताया कि आधा आंसर देना आधा
वो एक ही चीज है सर, दोनों क्लू देते जाओ कि अगला क्वेश्चन इसी में से आना चाहिए। सर कैन वी यूज दिस ओपन माइंडेड फॉर एवरी क्वेश्चन सर? ओपन एंडेड, ओपन माइंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड सर, एंडेड मतलब कि क्लोज नहीं करना है। है ना, और दूसरा ये कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने वन टू वन क्वेश्चन पूछा है कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो उसमें तो ओपन एंडेड जैसी कोई बात ही नहीं है। जो थ्योरेटिकल बेस है उसको तो तुरंत देके आपको उसको अवॉइड करना है, कि इतना कॉन्फिडेंस से देना है कि सामने वाला दूसरा क्वेश्चन पूछने के बजाय इन सब चीजों को डिस्कस करें। ओके सर, नहीं मालूम है तो क्लियर नहीं, ताकि वो फिर भी उधर ना जाए, है ना। ओपन क्या गलत आंसर देते हैं ना, तो फिर वो खींचते हैं उस चीज को। ये ओबेस हो गया ना। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इंटरव्यू वाले दिन, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू वेन्यू पे जल्दी पहुंचना है। ये ग्रीटिंग वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना, ग्रीट करने वाला। क्या होता है कि मैंने इंटरनेट पे भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे काफी इंटरव्यूज देखे, तो उसमें क्या हो रहा है कि सब लोग थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हो गया एक सेंटेंस सभी का लगभग। तो मेरी तरफ से आप सभी को एक सजेशन है, इतना बड़ा ना बोल के श्योर सर कर दीजिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ श्योर सर और स्टार्ट कर दीजिए। रटा हुआ अगर करोगे ना, तो जैसे पहले व्यक्ति ने बोला, सागर सर ने बोला, फिर अभिषेक सर ने बोला, फिर अश्मित सर ने बोला, तो चौथे पांचवें वो आप पे हंसने लग जाएंगे कि यार ये सब रट के आए हैं ना। तो अलग अलग वर्ड यूज करो आपके हिसाब से, श्योर सर, ओके सर, ओके आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, या फिर थैंक यू सर, कुछ भी अलग अलग वर्ड यूज करो, इतना लंबा सेंटेंस ना करो। ठीक है सर, ये मेरी एडवाइस है कि आप श्योर सर वाला वर्ड यूज करके फौरन चालू कर दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको कई क्वेश्चन से बचा लेगा, तो इस चीज को आपको मेंटेन करके रखना है। प्रोफेशनल ऐसे कि कॉन्फिडेंस हो के स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट करके बात करना है, अपने नॉलेज पे स्टिक रहना है, मतलब कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं है। ठीक है, भी प्रोफेशनल होकर बात करना है, सारी चीज। हाँ, ये चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक आ रही है कि जो हम लोग अभी मॉक इंटरव्यू भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ये चीज देखने में आ रही है कि हमको आंसर मालूम है या हमको कुछ पूछना है, तो हम वेट ही नहीं करते हैं, दूसरे का चल रहा है उसी में हम लोग हैंडलेस करके या फिर डायरेक्ट चालू कर देते हैं। अपना पूरा टाइम मिलेगा, आराम से सुनो, उनको पूछने दो, पॉज लो, फिर आंसर करो। ठीक है, और कुछ पूछना भी है तो उनको खत्म होने दो, वो जो समझा रहा है उसको खत्म होने दो, उसके बाद फिर पूछो। एक अच्छी चीज है जो अपने को हैबिट में डालनी है। ठीक है, अपने बात बात पे, मतलब जब भी आप इंटरव्यू दो ना, तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ खींच के लाओ। जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, अगर वो ट्रैक से उधर उधर जा रहे हैं, तो उसको रिलेट कर दो आपके एक्सपीरियंस से, स्किल से, स्पोर्ट्स से। बार बार चीज को आप वापस उधर लेके आओगे ना, तो आपके साइड ही रहेगी पूरी बॉल, कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू चला रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर दिए जा रहे हैं, वो अगला पूछ रहा है, फिर आगे चले जा रहे हैं, अपनी तरफ ले ही नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है ना। ठीक है, अभी जो मॉक इंटरव्यू होने वाले हैं, इन सब चीजों में आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि सभी हमारे इसमें ये प्लानिंग की गई है कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा और दूसरा टीचर इस फील्ड का ही नहीं है। हम लोगों ने इस प्रकार की प्लानिंग करना है। ठीक है, मॉक इंटरव्यू में तो हो सकता है कि दूसरा टीचर वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते जाए, आप उसको कैसे अंदर लेके आ रहे हो, इस चीज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अभी से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। ठीक है, और जब भी इंटरव्यू चलता जाए, तो आपको एंथुसियाज्म शो करना है कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूं। ये चीज आपको शो करते हुए जाना है ना इंटरव्यू में, कैसे ना कैसे करके ये शो करके ही आना है ना आपको, एंथुसियाज्म आपका इस जॉब के लिए। और थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं भूलना है कि सर आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करके, या फिर थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, हमें आप ये इंटरव्यू, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा गया, कुछ भी फीडबैक एक लाइन में बोल के बिल्कुल आओ। ठीक है, मैंने भी बोल के आया था कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, एक सेंटेंस में बोल के आया। ठीक है, बाकी उनकी इच्छा, उनको सही लगा, ईगो पे ले लिया, वो उनकी बात है, लेकिन बोलना है ना, थैंक यू तो बोल ही देना एटलीस्ट, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू या थैंक यू फॉर द टाइम। ठीक है, ओके, बाकी चीजें तो हो गई, कम्युनिकेट प्रोफेशनली क्लियरली, है ना, जो भी चीज आपको बात करनी है क्लियर करना है ना। जी, सेकंड लास्ट वाले को एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड लास्ट ये था कि आपका जब इंटरव्यू खत्म हो जाए ना, तो आपको सामने वाली जो पैनल है उसको थैंक यू बोल के ही आना है कि सर थैंक यू फॉर द टाइम। कोई भी आप बड़ी चैट जीपीटी में बहुत वर्ड मिल जाएंगे आप, है ना, तो आप कोई ना कोई वर्ड वहां से रिमाइंड कर लीजिए और उसको आपको बोल के आना है, थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू सर, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई थिंक आई परफॉर्म वेरी वेल करके, कुछ भी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम आई, ऐसा करके जो भी आप एक सेंटेंस बिल्कुल बोल के आइएगा ना। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि इस प्रिपरेशन क्लास के अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं, एक एक करके आप प्लीज बता दीजिए कि इस प्रिपरेशन क्लास के अलावा आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई देव सर। हाँ बोलिए सर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन आई विल राइट माय फेयर नोट्स सर। फेयर नोट्स बना के उसको और एक बार रिवीजन करते सर। रिवीजन कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, मतलब क्लास के अलावा?